नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। दिशाएं में आज हम बात करेंगे करियर इन हेल्थ मैनेजमेंट की, और इस विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर एस डी गुप्ता जी का। प्रोफेसर गुप्ता चेयरमैन IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर से हैं, और साथ में हैं श्री सुब्रतो दास, आप वाइस प्रेसिडेंट HR एंड ट्रेनिंग एटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से हैं। दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने हमारे प्रोग्राम का मंतव्य है युवाओं को एक दिशा देना, तो युवा भारत भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम अपने तमाम युवा साथियों का स्वागत करते हैं स्टूडियो में, जो कि इस वक्त हेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोर्सेज पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हेल्थ इंडस्ट्री है कितनी बड़ी है, इसका क्या मैग्नीट्यूड है, और हमारे GDP में, भारत के GDP में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? अभी पिछले कुछ एक दशक में हेल्थ सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर की तरह से सामने आया है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सो इट्स ग्रोइंग फास्ट, जिसको हम CAGR कहते हैं, अगर उसको देखें तो अराउंड 16-17% रेट पर ये ग्रो कर रहा है, और आने वाले समय में करीब 26,000 से 30,000 करोड़ का इसका साइज़ होगा जी। तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, सर्विसेज की ग्रोथ हो रही है, तो एंड देन द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वेरी सपोर्टिव, एंड ऑल्सो ग्लोबल एनवायरनमेंट इज़ लाइक दिस दैट हेल्थ सेक्टर इज़ बाउंड टू ग्रो इन फ्यूचर जी। तो दोस्तों, ये बात जैसा प्रोफेसर गुप्ता जी ने अभी बताया कि एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर ये सामने आ रही है, और इसमें केवल मेडिकल सर्विसेज के लोगों के लिए ही संभावनाएं नहीं हैं, और दूसरी तमाम जो स्टडीज़ हैं उनके विद्यार्थियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मौजूद रहेंगी। सुब्रतो दास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मैन पावर की, चूँकि आप ट्रेनिंग और HR से जुड़े हुए हैं, डिमांड और सप्लाई के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अभी क्या स्थिति है और आने वाले कल की क्या स्थिति होगी? ठीक है, जहाँ मैन पावर की अपन बात करते हैं तो आने वाले समय में, जैसे गुप्ता जी ने बताया है कि ये इंडस्ट्री बहुत एक्सपेंड करेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। उसी के तहत जितने हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनका में इजाफा होगा। उसी लिए जितने भी हेल्थ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, बी इट स्टूडेंट्स जो पास आउट करेंगे, नर्सिंग हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एंड सपोर्टेंट्स के जितने सर्विसेज हैं, इन हर चीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। जैसे आने वाले समय में इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अथाह है जी। मेरी जानकारी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे मिला जिसने इस स्ट्रीम से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई की और वो घर बैठा हुआ हो, ऐसी एक भी बात मुझे और ना उसने अपना करियर चेंज किया, ये भी बात सामने नहीं आई है। तो चूंकि बेसिक जीवन से जुड़ी हुई बात है, और जो भी बात, चाहे वो एग्रीकल्चर और हेल्थ हो, जो जीवन से जुड़ा हुआ है, उसमें जॉब्स की कोई स्कर्सिटी हो ही नहीं सकती, संभावनाएँ प्रचुर मात्रा में रहेंगी। अब चूंकि जैसा कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है आज़ादी के बाद से ही, कि हम एक दिशा चूज़ करते हैं अपने करियर के लिए, उसकी पढ़ाई करते हैं और फिर उससे जुड़ा हुआ आगे व्यवसाय या काम शुरू करते हैं, तो फॉर्मल ट्रेन एजुकेशन की हम बात करें तो ये किस तरह से शुरू होता है? हेल्थ मैनेजमेंट की स्टडीज़ की हम बात करें तो ये एक अपने आप में एक नया डिसिप्लिन है, अप्लाइड डिसिप्लिन है जी। और पहले जनरल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, MBA मैनेजमेंट होता था जी, पर हेल्थ सेक्टर के रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की बहुत अलग हैं। सो हमको एक स्पेशलिस्ट हेल्थ मैनेजर या हॉस्पिटल मैनेजर चाहिए जिसको इस सेक्टर की जानकारी हो, हॉस्पिटल की जानकारी हो, हेल्थ सिस्टम की जानकारी हो। तो इसमें एक जो बहुत अच्छी बात है, जो यूनिक फीचर है इसका, हालांकि ये हेल्थ सेक्टर को डील करता है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट की पोजिशन पर आने के लिए आपको डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं, MBBS या BDS होना ज़रूरी नहीं, आप अलाइड साइंस से भी हो सकते हैं, आप साइंस से भी हो सकते हैं, आप कॉमर्स से भी हो सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स से भी हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से भी हो सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से भी हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हो सकते हैं, क्योंकि IT से भी हो सकते हैं। तो एक क्योंकि ये एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्टोरल बिजनेस है, अगर कोई डॉक्टर फाइनेंस नहीं जानता है, बट द मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एंड ही नोज अबाउट द हॉस्पिटल एंड ही हैज बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस,
he did his BCom or something, and then he comes into this course for management, then he is the right person to look after the finances of the hospital. मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता, पर फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स से भी बच्चे आते हैं. तो अभी एक नया एरिया इमर्ज हुआ है कॉस्ट ऑफ केयर का, हेल्थ इकोनॉमिक्स. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ केयर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइफ. तो खाली क्लिनिकल केयर का ही काम नहीं रह गया है जी, पर इसकी हर डायमेंशन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इज आल्सो इंश्योरेंस भी है. अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत शुरू किया, 40-50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा. हाँ, कहाँ हैं लोग जो इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं या कर पाएंगे? तो ऐसे जो इंश्योरेंस से की एक मेन स्ट्रीम, स्पेशलाइज स्ट्रीम से जो निकलेंगे, तो इंश्योरेंस उनके लिए एक बहुत बड़ा एरिया. इसमें ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अभी स्टडीज. हाँ, ये मास्टर्स प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन के बाद में इसकी एंट्री क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन जी. क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसके लिए? नहीं, इसके लिए आपको मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है जी, और कम से कम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन डिग्री में होने चाहिए जी. और अगर एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 2-3 साल का, कुछ लोग काम करने के बाद यहाँ आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है. यूँ तो हम इंटर्नशिप में और डिसर्टेशन में और समर ट्रेनिंग में भेजते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, लर्निंग फर्दर, पर जो पहले और काम किए हुए होते हैं उनके लिए तो और भी बहुत अच्छा होता है, उनकी समझ में जल्दी आता है जी जी. और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इसकी स्टडीज अभी बहुत पॉपुलर है? अंडर ग्रेजुएट पर हैं, BBA है, BBM है, पर ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं है. अभी केवल PG लेवल पर ही PG लेवल पर उपलब्धता है. अगर हम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, तो सरकारी क्षेत्र में इसमें इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं? अभी सरकार ने भी काम शुरू किया है NIRF, नेशनल रैंकिंग सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क डेवलप किया है. तो उसमें रैंकिंग हो रही है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, पर जो मैगजीन्स हैं वो भी रैंकिंग करती हैं जी जी. तो लगभग हर साल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी रैंकिंग ऑलमोस्ट हर साल होती है जी. एम्स में ये कोर्स होते हैं जी, एम्स में ये कोर्स अवेलेबल है? एम्स में है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पूना में है वहाँ पर भी है, कुछ और इंस्टीट्यूशंस में भी है सरकार में, पर यूजुअली वो सारे मेडिकल बैकग्राउंड के अच्छा डॉक्टर्स के लिए ही है. हाँ, तो वो MD की डिग्री उसमें मिलती है, MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जी. तो दोस्तों, जो लोग भी इस विषय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसा कि शुरुआत में ही बात स्टैब्लिश हुई है कि अब ज़माना स्पेशल काम करने का, स्पेशलाइजेशन का है, तो आप जनरल डिग्री एक्वायर करने की बजाय थोड़ा सा स्टडी, अपनी मार्केट स्टडी ज़रूर रखें, और उसके लिए डिजिटल क्रांति आपके दरवाजे है, आपके हाथ पर है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, गूगल करें, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के नाम आपके सामने आ जाएंगे, पर्सनली विजिट कीजिए, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स से मिलिए, एलुमनाई से मिलिए, जो लोग वहाँ अभी कोर्स ख़त्म करने वाले हैं उन लोगों से मिलिए, उस इंटरेक्शन से आपको एक इंसाइट डेवलप होगी और अंततः आप अपने लिए बेहतर चुन पाएंगे. अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए अपने युवा साथियों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने सवाल संक्षिप्त में पूछें. आली है और मैं पटियाला पंजाब से हूँ. मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इंटर्नशिप की क्या इम्पोर्टेंस है इस उसमें करियर में, और हम कहाँ कहाँ, कौन से एरियाज में हम कर सकते हैं इंटर्नशिप? सुब्रत जी, आपसे जानना चाहेंगे इंटर्नशिप जी. मैं सरकार ने भी काफ़ी जोर दिया है जी. इंटर्नशिप जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज होती हैं उसमें मैंडेटरी है. जैसे अगर आप हेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो उसमें 3 मंथ्स आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसके नंबर्स होते हैं, इवैल्यूएशन होती है, इट्स एन एंटायर सेक्टर. उसी तरह से काफ़ी कोर्सेज हैं, जैसे पैथोलॉजी के लैब में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके भी इंटर्नशिप होती है. सबका समय फ्रेमवर्क अलग अलग होता है, किसी का 3 महीना होता है, किसी का 6 महीना होता है. फिजियोथेरेपी भी एक है जिसमें इनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स. फिर आप डायटेटिक्स इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, उसमें भी 6 मंथ्स की आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है. इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, इट्स अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस. जो आप पढ़ते जरूर हैं लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है, ये एक जगह है जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाता है. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स आते हैं वो करते हैं.
इंजीनियरिंग फील्ड इज़ अ वेरी बिग, हॉस्पिटल इंजीनियरिंग में वो भी एक अहम है जिसमें आप कर सकते हैं जी. इंटर्नशिप इज़ वेरी क्रिटिकल जी. मैं जानना चाहूँगा क्या ये ट्रेनिंग या इंटर्नशिप पेड होती है या चार्ज की जाता है जी? इसमें एक्चुअली दो विचारधारा हैं. एक मानना होता है कि चूंकि हम आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं तो इट्स अ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उनके भलाई के लिए है, उनकी मैंडेटरी है, तो उनसे चार्ज नहीं कराए बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स. एक ये धारा है. दूसरा है कि भाई चूंकि हम ट्रेनिंग कराते हैं टाइम इन्वेस्ट होता है इसलिए इनसे इंटर्नशिप की फीस ली जाए. तो दोनों है, तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जी. गुप्ता साहब आपसे इसमें जुड़ना चाहेंगे. चाहता हूँ कि क्लासरूम टीचिंग का अपना एक महत्व है, पर जो क्लास की जो लर्निंग्स हैं, नॉलेज जो हमने क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन है उसका, उसको स्किल में कैसे कन्वर्ट करता है. तो जैसे समर ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं तो करीब 8 हफ्ते के लिए जाते हैं, तो उनका ओरिएंटेशन होता है हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, वेरियस डिपार्टमेंट्स, हाउ डू दे वर्क, एंड दे ऑल्सो डू सम प्रोजेक्ट्स ओवर देयर, ब्रिंग देयर रिपोर्ट, उसके बाद वो आके प्रेजेंटेशन करते हैं. तो हम लोग ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ सीख कर आए, उसका ओरिएंटेशन हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल फ्रेश आता है, उसका सेक्टर से अभी तक कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ था. तो समर ट्रेनिंग सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है. उसके बाद सेकंड ईयर में दे चूज़ कि हमको किस डिसिप्लिन में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है, तो उसके बाद उसकी इंटर्नशिप शुरू होती है. तो मिनिमम 3 मंथ्स की इंटर्नशिप इसलिए होती है कि जो सीखा है उसको स्किल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो वहाँ जाके सीखे जी. स्किल के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, देखिए हमारी हमारे देश में सबसे बड़ी वीकनेस जो मैं देखता हूँ रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन की है. बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप लिख नहीं सकते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, आज आप अपनी रिसर्च पब्लिश नहीं कर सकते, तो हम इनको राइटिंग स्किल्स भी जब ये इंटर्नशिप में जाते हैं उसके बाद तो उनको डिसर्टेशन करना होता है जी जी. उस डिसर्टेशन में बाकायदा एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, हाइपोथेसिस होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, डेटा कलेक्शन, दे कलेक्ट डेटा, एनालाइज डेटा, रिपोर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ए डिसर्टेशन. तो ये इज ए कम्प्लीट प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन टू द थियोरेटिकल लर्निंग इन द क्लासरूम. सो लर्निंग हैंड्स ऑन स्किल्स एंड देन लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू डॉक्यूमेंट, हाउ टू एनालाइज डेटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव मैनेजर जी. एंड दे डोंट हैव टू बी ओनली मैनेजर, दे हैव टू इमर्ज इन टू ए लीडर. लीडर एग्जैक्टली. अनलेस दे हैव एनालिटिक स्किल्स दे कैन नॉट ग्रो इन देयर करियर जी. तो जैसा कि अभी सुब्रत दास जी ने भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं अगर आप उनके मन की बात पूछें तो उन्होंने जो इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग के दरमियान जो बात सीखी वो बात पूरे जीवन भर उनके जहन में रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और MHRD ने भी इसके लिए एक पोर्टल शुरू कर दिया है इंटर्नशिप से रिलेटेड. थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, उस पर जाएं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शहर चूज़ कर सकते हैं, सेक्टर चूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप जो भी एम्प्लॉयर है उससे जुड़ सकते हैं. देन दे विल रिवर्ट बैक टू यू एज़ पर देयर नीड. और ये पेड और नॉन पेड दोनों तरह की ट्रेनिंग्स के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, बस थोड़ा सा अपने खुद के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है. अगला सवाल. मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तवा है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ. सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं इस फील्ड में जी. शुरुआत से हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए. ये सवाल मुझसे है या आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि आप एकेडमिक से हैं? नहीं, स्कॉलरशिप के प्रोविजन तो इनबिल्ट होते हैं जी हायर एजुकेशन में स्पेशली जी जी. तो जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, हम भी चाहते हैं कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन में आए जी जी. हमारा भी इंटरेस्ट है क्योंकि क्लास की एक जो कन्फिग्रेशन है वो एक अलग इंटेलेक्चुअल लेवल पर फिर चलती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम भी चाहते हैं कि मेरिटोरियस आए, तो हमारे प्रोविजंस होते हैं. यू जनरली सब इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप्स के प्रोविजन होते हैं मेरिट बेस के ऊपर, दे व्हाट दे डिड इन ग्रेजुएट एंड देन हाउ डिड दे परफॉर्म इन द कोर्सेज व्हाइल दे हैव बीन एडमिटेड, सो दे कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप. फिर दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं ऑलरेडी जो पिछड़े वर्ग से हैं
या SC ST से हैं या माइनॉरिटी से हैं, माइनॉरिटी से हैं, तो वो अलग प्रोविजंस हैं हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूशन से उनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है, अप्लाई वो नहीं करना पड़ता है, हम उसको एंडोर्स करते हैं जी, और उसके बाद DBT हो गया, अब डायरेक्ट बेनिफिट होता है उनको जी। तो दोस्तों अगेन फिर यहाँ डिजिटल क्रांति की बात आपके साथ जुड़ गई है, आप इन्फॉर्मेशन सही समय सही जगह से लेंगे तो आप अछूते नहीं रहेंगे, पूरी जानकारी आपके पास होगी। पहले बहुत सारे विद्यार्थियों को शिकायत रहती थी कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, समाज कल्याण विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, और हमें मिल नहीं पाई या पूरी नहीं मिल पाई, तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट देख लीजिए, उसे प्रॉपरली आप तैयार कीजिए, ठीक से अपलोड कीजिए, और डायरेक्ट चूंकि अब भारत सरकार आपके खाते में पैसा भेजती है तो इसमें घबराने की कोई बात है नहीं, सारी बात इस पर टिकी हुई है कि आप ठीक से अप्लाई करें पोर्टल पर। नहीं, वो आजकल क्या है कि बच्चों को ये एक्सप्लोर करना चाहिए, सरकार की स्कॉलरशिप है या जिस इंस्टीट्यूशन में आप गए हैं उसकी स्कॉलरशिप है, पर इस देश में इतने फिलेंथ्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, दे सपोर्ट, वहाँ अवेलेबल है ये सब, पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, और CSR योर आईज एंड ईयर्स ओपन, ट्राई टू फाइंड आउट, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जितने भी फिलेंथ्रॉपिस्ट वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का डेवलपमेंट हो, उनको जो पे नहीं कर सकते फॉर फी उनको सपोर्ट मिल सके, वो अपना पढ़ाई कर सके, तो ऐसे प्राइवेट फाउंडेशंस भी बहुत जी। गुप्ता साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक बात अपने साथियों से शेयर करना चाहूँगा कि रोज़ सुबह आपकी उस व्यक्ति से सबसे पहले मुलाकात होती है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, वो आपको आईने में रोज़ मिलता है, जब आईने में आप अपने आप को देखते हैं तो आप उसी व्यक्ति से मिल रहे होते हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, तो आपकी ज़िंदगी का रिमोट आपके अपने हाथ में है, उसे ठीक से चलाइए, आप जो चाहेंगे वो सब कुछ इसी जीवन में आपको मिल जाएगा, कोई शिकायत नहीं रहेगा कि मेरी किस्मत ऐसी है या मैं फलां बैकग्राउंड में हूँ या मैं गांव से आया हूँ या मुझे पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी। आप जितने भी बड़े लोगों की जीवनी पढ़ें या उनकी जीवन यात्रा को देखेंगे तो उसमें ऐसा पारिवारिक पृष्ठभूमि या कुछ होने और नहीं होने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है, वो खुद उन्होंने जो किया उसी से उनकी यात्रा उनकी डेस्टिनी बनी है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम हुज़ैफ़ा वाहिद है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हॉस्पिटल और हेल्थ मैनेजमेंट इस एरिया की नॉलेज बढ़ती जा रही है, वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी गुप्ता साहब आपसे जानना चाहिए। गवर्नमेंट तो सबसे बड़ा सेक्टर है, बाकी सारे सेक्टर छोटे हैं। तो अब जो नेशनल रूरल मिशन जब शुरू हुआ 2005 में और अब नेशनल हेल्थ मिशन जो शुरू हुआ है, तो उसमें सारा फोकस ही इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट के ऊपर है। तो जितने हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जितने हमारे रिसर्च एंड कंसल्टिंग के प्रोग्राम्स हैं, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, स्टेट कंसल्टेंट्स हैं या स्टेट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, वो सब उनमें बहुत ज़रूरत बढ़ गई है। बस ज़रूरत ये है कि आप अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें। मैंने जैसे आपको कहा था ना कि लिखना सीखें, डॉक्यूमेंटेशन सीखें, बोलना सीखें, एंड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी एबल टू थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू डू। आज प्रॉब्लम ये है कि आप सोच नहीं पाते बच्चे कि व्हाट डज यू वांट टू डू। वो नदी की धारा में बह जाना चाहते हैं, आप धारा में निश्चित करो आप कहाँ चलेंगे। तो गवर्नमेंट में तो यानी कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग मिलते नहीं हैं, अच्छे लोग एम्प्लॉयबल लोग नहीं मिलते हैं, काम की कमी नहीं है, सही व्यक्ति की मार्केट में कमी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं MBA परस्यू कर रहा हूँ अभी, तो मेरे क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं हेल्थ केयर ऑप्शन जी आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे गुप्ता जी ने पहले ही बताया गवर्नमेंट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय में बहुत सारे चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, स्टैंड अलोन हॉस्पिटल्स भी हैं, गुड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो कमिंग अप इन द डिफरेंट सिटीज़। तो उसमें हेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से हर आयाम में उन्हें लोग चाहिए होते हैं, फॉर इवन एज गुप्ता जी अर्लियर स्टेटेड, फाइनेंस हो, क्वालिटी हो, आपका इंजीनियरिंग हो, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट हो, ठीक है, देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी, इसमें भी आपको चाहिए होते हैं टेक्नीशियंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स हेल्थ इंडस्ट्री बिना उनके अधूरा है,
बिना उनके हो नहीं सकता है, उनके सपोर्ट में नर्सेज चाहिए होते हैं. सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ वेरी ह्यूज. जैसे गुप्ता जी ने बताया, एम्प्लॉयबल व्यक्ति मिलना बहुत ज़रूरी होता है. अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं जी. एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर हाउसकीपिंग से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के नॉन मेडिकल फील्ड के लिए भी लोग ज़रूरी हैं, सप्लाई चेन के लोग भी अवेलेबल हैं और कोर मेडिकल सर्विसेज के अवेलेबल हैं, ज़रूरत रहेगी. तो अभी क्या ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, जैसे जैसे हॉस्पिटल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, उतना ही मैनेजमेंट का फोकस बढ़ता जा रहा है. तो पहले तो जैसे हॉस्पिटल में एक ही हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट या मैनेजर है, अब इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे OT है, सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, MIS है, यानी पूरी तरह एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. अपने आप में अलग अलग, अब इन पेशेंट का अलग से इंचार्ज है, आउट पेशेंट का अलग से इंचार्ज है, फ्रंट डेस्क का अलग से है. तो एक हॉस्पिटल में एक मैनेजर नहीं, 10-15 मैनेजर्स की ज़रूरत होती है कम से कम. पर एक से भी काम नहीं चलता, उसको रोटेट करने के लिए भी तो चाहिए आपको, तो 15 के दुगने चाहिए, फिर 30 मैनेजर्स थे. तो ये तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है. इन सब का कैंपस प्लेसमेंट होता है ज़्यादातर बच्चों का, पर अपनी जगह उसमें बनानी है और हाउ यू विल ग्रो दैट यू विल डिसाइड जी. नो, इन प्राइवेट सेक्टर मस्ती करने वालों की कोई जगह नहीं. बहुत बेहतरीन बात कही, एक रिस्पॉन्सिबल माइंड हमें चाहिए. आप बाकी सब चीज़ें आपके साथ फॉलो करेंगे, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दीजिए. मेरे जीवन से जुड़ी हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, बस. बाकी सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, सब अपने आप होने लग जाएगा. आपका अपनी जगह से काम मन भी लगेगा, आपके साथियों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, आपके जो यूज़र्स हैं, आप जिनको कैटर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, उनकी समस्याओं को आप जल्दी समझ लेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप हो जाएंगे. लेकिन सबसे पहला स्टेप है लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल. अगला सवाल. हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर जाई सरफराज खान है, मैं श्रीनगर से आया हूँ. मुझे आपसे ये पूछना था कि रूरल इंडिया में किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है. जी दोस्तों, मैं एक आपसे अनुरोध करूँगा, जाहिदा प्लीज़ बैठिए. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक डॉक्टर होने के नाते अगर आपने ये नहीं सोचा कि मेरी ज़रूरत जिन लोगों को सबसे ज़्यादा है वो है ग्रामीण भारत, और उनके लिए काम मैं नहीं करूँ, मुझे लगता है जाहिद की इस भावना के लिए हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए. डॉक्टर साहब आपसे जाहिद, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुना होगा ये ग्लोबल एजेंडा तैयार हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो अब खाली हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेलनेस की भी बात कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वेलनेस तो सबके लिए ज़रूरी है. दूसरी बात, जो अब समय आ गया है, हम बहुत ट्रांजिशन के इस एंड पर आ गए हैं, हेल्थ के ट्रांजिशन के, जब क्रॉनिक डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज, कैंसर्स, क्रॉनिक डिजीज, लंग डिजीजेस, ये सब का डिजीज़ बर्डन ऑलमोस्ट 50% के ऊपर हो गया. जो पहले 20-30% होता था, अब 50 के ऊपर हो गया, आने वाले 5-7 साल में ये 70-75% तक हो जाएगा. ये खाली शहरों की बीमारियां नहीं है, गांव की भी बीमारियां. एक बार में इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, लगातार ट्रीटमेंट होता है. तो ट्रीटमेंट करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं, रोज़ रोज़ ट्रीटमेंट करने कौन आएगा, वो वृद्ध हो गया है, वो आपके पास आ नहीं सकता. तो हमें कोई नए मॉडल्स बनाने पड़ेंगे ऐसे लॉन्ग टर्म केयर के, जिसको एक बार हार्ट डिजीज हो गई तो रहनी है, वो डिपेंडेंसी है उसकी, उसको तो रहनी है. तो अब उसको केयर कैसे, उसका ब्लड प्रेशर कौन नापेगा, उसे दवाइयाँ कौन देगा, बच्चे बाहर चले गए, पत्नी की भी मृत्यु हो गई, अब वो अकेला रह गया, कौन देखेगा उसको, उसकी केयर कौन करेगा, कौन उसका ब्लड प्रेशर नापेगा, कौन उसका ब्लड शुगर नापेगा, कौन उसकी दवाई की व्यवस्था करेगा, क्या करेगा. तो आगे आने वाला समय कुछ ऐसा है कि जब हमको मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, और शहरों में ही नहीं, शहरों में भी बहुत ज़रूरत है, तो गांवों में तो उसकी 3 गुनी ज़्यादा ज़रूरत है. तो
आप क्या बनाते हैं अपने लिए, क्या उद्देश्य निर्धारित करते हैं, वो बहुत जिन्होंने अपना उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया है वो बड़े बड़े डॉक्टर भी शहर से हटके गांवों में जाके अपने अपने इंस्टीट्यूशन अपने काम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं काम, वो लोग वहीं बस गए जाके, कई तो वहीं बस गए जाके काम कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा और गांवों में। सुब्रत जी, आपके पास में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, क्या एक प्रतिशत मानते हैं, हर एक का चार भी है कि बड़े हॉस्पिटल्स में सर्व किया जाए या ग्रामीण भारत की ओर भी लोग मुड़ना और जुड़ना चाहते हैं? मेरे तजुर्बे के हिसाब से अक्सर लोग बड़े अस्पतालों की तरफ ही भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं क्योंकि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं मोस्टली या तो कस्बों में, आजकल काफ़ी सारे हो गए हैं, या शहरों में ही होते हैं। गाँव में प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी है नहीं, तो इसलिए अक्सर जितने भी ग्रामीण बच्चे हैं जो नर्सिंग करते हैं, टेक्नीशियंस का कोर्स करते हैं, तो वो आते जरूर हैं, वो शहरों की तरफ ही आते हैं। कुछ लोग कस्बों में जरूर रुकते हैं, घर के पास में परिस्थितियों के हिसाब से रुक जाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में शहरों में थोड़ा ज़्यादा है बनस्पत गाँव में। लेकिन तैयार हमें इस बात के लिए रहना चाहिए कि आने वाले कल में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी, और जब आप मानसिक तौर पर ये तैयार होंगे, और चूँकि हेल्थ इंडस्ट्री सर्व करने की सेवा भाव की इंडस्ट्री है, तो सेवा वहाँ की जाए जहाँ लोगों की आवश्यकता है। अगला, सेवा भी है बिजनेस भी है जी, दोनों है। ऐसी बात नहीं कि गाँव में काम नहीं है या गाँव में आप उसका रिपेमेंट नहीं चला सकते जी, गाँव में बल्कि ज़्यादा है। हाँ, तो सारा आप इवन जैसे है तो नॉट, इट्स नॉट रिलेटेड, बट जैसे FMCG है वो रूरल मार्केट को पेनिट्रेशन चल बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके शहर में तो हो गया पूरा जो टारगेट से अचीव हो चुके हैं, रूरल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना बड़ा जरूरी हो गया और बिजनेस इसमें हो रहा है जी। बिल्कुल, हेल्थ केयर में तो ऑलरेडी है, लेकिन हमारे साथी लोग जाना कम पसंद करते हैं, पर अपॉर्चुनिटी वहाँ ज्यादा है, ग्रोथ की अब संभावनाएं ज्यादा होंगी। अगला सवाल। नमस्कार सर, माय नेम इज उर्वशी चौधरी एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक ऑनर्स from Jaipur, Rajasthan. I wanted to know that the word health management basically attracts the more of the medical background students. So being an economic graduate, I wanted to know what are the growth opportunities for me if I pursue my career in health management. जी उर्वशी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, और आज सारी बात कॉस्ट की हो रही है जी। कॉस्ट ऑफ केयर क्या है, हाउ कैन यू रिड्यूस कॉस्ट, हाउ कैन यू रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ से सेविंग वन लाइफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, हाउ कैन वी रिड्यूस कॉस्ट सो दैट यू कैन इंक्रीज एफिशिएंसी। तो आपका जो ओरिएंटेशन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट में हुआ है, आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, तो आप तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, नई दिशाएं दे सकते हैं, नई रिसर्च कर सकते हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, जहां इकोनॉमिस्ट की बहुत डिमांड है, डॉक्टर की नहीं, इकोनॉमिस्ट की बहुत डिमांड है जी। तो आप अपने को तैयार करो उसके लिए जी। सुब्रत जी, आपसे जानना चाहेंगे जो दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, दूसरी स्टडीज़ हैं, उनकी एप्लीकेशन इस इंडस्ट्री में कितनी है? देखिए, जैसे गुप्ता जी ने कहा है, जैसे उर्वशी ने इकोनॉमिक्स में किया है, उस तरह से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड से करी है। कुछ लोगों ने करी है नर्सिंग से, कुछ फार्मेसी से करी है, कुछ लोग आपके IT बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग आपके जनरल जस्ट BBA एडमिनिस्ट्रेशन करके भी आते हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हर व्यक्ति के लिए। उसमें अगर आपने फार्मेसी से किया हुआ है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, IP फार्मेसी, OP फार्मेसी एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट है जहाँ पे दवाइयों का पेशेंट्स जो रहते हैं उनके लिए देना होता है। IT एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना IT के हॉस्पिटल इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। उसी तरह से आपके नर्सेज हैं, नर्सिंग में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें वो फ्लो कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं, डिस्चार्ज नर्सेज बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस संभाल सकते हैं, बाकी दूसरे स्पेशलिटी से जो भी आते हैं वो TPA में भी ज्वाइन करते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो इंश्योरेंस आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। फिर उसमें आपके इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अथाह है जी। काम करने वाला चाहिए।
कैंटीन और मैस की भी आजकल देखा जा रहा है कि पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट नहीं होते कई बार, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से है। जी, तो उसमें क्या है कि दिस आई मिस्ड आउट, जैसे अपने यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। होटल मैनेजमेंट मतलब केवल होटल से लिंक्ड नहीं है, ऑल बिग हॉस्पिटल्स दे हैव फुल फ्लेजेड किचन्स, फुल फ्लेजेड किचन्स जहाँ पे पेशेंट की डाइट बनती है अंडर वेरी हाइजीनिक कंडीशंस। उसमें हमें इस होटल मैनेजमेंट से जो स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं उनके लिए भी काफ़ी है, जिसमें स्टीवर्ड्स भी होते हैं, उसमें मैनेजर्स होते हैं, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट जो डायटेटिक्स पढ़ के आते हैं MSc, तो उनके लिए भी डायटेटिक्स डिपार्टमेंट है विच वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द FNB डिपार्टमेंट, तो एक ये भी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग इज अनदर वन विच इज़ देयर, इंजीनियर्स के लिए बायोमेडिकल भी है, सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, दे हैव दैट। ITI एक और बहुत अहम हिस्सा है अपने स्टडीज़ में, वो बच्चे आते हैं वो टेक्नीशियंस बनते हैं हमारे। AC पूरे हॉस्पिटल्स में चलती है, दैट इज़ अनदर वन, रेफ्रिजरेशन वाला साइंस का है। इलेक्ट्रिकल इज देयर, प्लम्बर, नल वगैरह ठीक करना, पेंटिंग, पेंटर्स, तो बहुत आया। यू नेम एनीथिंग एंड यू नेम एनीथिंग एंड इट्स देयर, यू नेम एनीथिंग एंड इट्स देयर। तो दोस्तों, आपको सिर्फ अच्छा प्रोफेशनल बनना है, आपको अगर हेल्थ इंडस्ट्री में अपने लिए जगह ढूंढनी है तो आप अपने आप को सिर्फ अच्छा बनाइए, आप अपने आप अपनी जगह आपको मिल ही जाएगी। अगला सवाल हम लेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिमन्यु सेठी है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। सर, मैं देख रहा हूँ कि और भी स्ट्रीम्स के बच्चे इस फील्ड की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक मेडिकल ग्रेजुएट और नॉन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए सैलरीज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी? देखिए, इसमें एक्चुअली ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जी, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो देर आर ग्रेजुएट्स हु आर MBBS एंड BDS एंड देर आर ग्रेजुएट्स हु आर फ्रॉम कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, इसमें हैं। अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए इक्वली हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स थोड़ी वेरी करती हैं, दिस इज देयर, बट जहाँ तक ग्रोथ की आती है, ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड, केवल आप में सक्षम होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल होनी है एंड आपका काम करने के प्रति रुझान और सीखने के प्रति रुझान होना चाहिए, स्काई इज़ द लिमिट। जी, तो उम्मीद है आपके मन में जो भी है आपको मिल ही जाएगा। अगला सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर शिखा शर्मा है, मैं पठानकोट से, पंजाब से हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हेल्थ सेक्टर में रिसर्च की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम किस एरिया में रिसर्च कर सकते हैं? बड़ा एरिया जहाँ अभी सरकार का काफ़ी फोकस है और नीड ऑफ द आवर भी है। गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहेंगे। रिसर्च तो मच वांटेड एंड मच डिज़ायर्ड एरिया है जिस पर काम हो नहीं रहा है। नॉट ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज नीड टू बी डेवलप्ड, हमारे यहाँ तो रिसर्च इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे पॉलिसी रिसर्च है, प्रोग्राम मैनेजमेंट रिसर्च है, हॉस्पिटल सर्विसेज रिसर्च है, से ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हाउ टू इम्प्रूव ऑपरेशंस इन अ हॉस्पिटल, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट, OT है, OT में क्या, नो, यू कैन डू रिसर्च इन द हॉस्पिटल्स, यू कैन डू रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर, हाउ द हेल्थ सिस्टम्स वर्क, वॉट आर द factors that improve strengthening and efficiency of systems. All these are the research areas besides biomedical research which could be done in the laboratories. But since health management में वो बच्चे कम आते हैं जो biomedical research में interested होते हैं, क्योंकि वो systems में काम करते हैं या hospitals में काम करते हैं, तो you can create new evidences. जैसे आपके hospital है, डॉक्टर साहब से अगर ये जानना चाहें कि इनके पेस मेकर के सक्सेस रेट क्या है, वो कौन बताएगा? ये कैंसर ट्रीटमेंट के सर्वाइवल क्या है, वो कौन? तो एनालिसिस का जो पार्ट है तो वो भी इंटरेस्ट है, आप ही करेंगे जी, संभावना काफी है, कोई बताएगा कि भाई EHCC या जो भी अस्पताल है, व्हाई कार्डियक सर्विसेज आर ग्रेट, ग्रेट इसलिए नहीं कि चमकता बहुत है, मरीज आता है जी तो सलामत होकर घर जाता जी 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 बिल्कुल, पर ये कौन बताएगा कितने सलामत होकर जाते हैं जी। अगला सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर रविशा भारती है, मैं दिल्ली से हूँ। सर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना एक काम शुरू करूँ, एक हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू करूँ, तो इसके लिए मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए? जी, युवाओं को जो नई सोच लाने की आवश्यकता है कि अब जॉब डिमांड की बात खत्म करें और जॉब प्रोवाइड करने वाली बात शुरू करें। मेरे ख्याल से
आज की जो यंग जनरेशन है, ये जो मिलेनियल्स अब जो आ रहे हैं आएंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि बजाय जॉब मांगने के वो जॉब क्रिएट करें जी, और उसके लिए ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव्स इज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने हॉस्पिटल्स की चेन क्रिएट कर दी, वो डॉक्टर भी नहीं थे जी। दैट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप लेवल। सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर ओन आईटी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे हैव क्रिएटेड। सो ऑल दैट एंटरप्रेन्योर माइंड, इट इज़ नेसेसरी जी। एंटरप्रेन्योर इज इन योर माइंड, बट हाउ टू गो अबाउट। सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया, and there are institutions that support startups. The private sector in the form of equity makes available venture capital. ठीक है, वो अपना प्रॉफिट आपसे लेंगे या शेयर करेंगे, पर आपके स्टार्टअप को सब, अगर दे सी द वैल्यू इन दिस, सो वट इज योर आइडिया, पेन डाउन, डेवलप इन टू ए प्रपोजल, अ साउंड प्रपोजल, एंड देन सीक सपोर्ट फॉर इट। अगर ये वायबल होगा, उसकी मार्केटेबिलिटी होगी, उसको उसमें फ़ायदा नज़र आता होगा, तो आपको बैंक भी पैसा देगा, गवर्नमेंट भी देगी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी देंगे, दे लाइक टू इन्वेस्ट इन टू इट। तो स्टार्टअप में बहुत स्कोप है, पर उसके लिए भाग्यशाली होना भी बड़ा ज़रूरी है। जी, आप इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और हैं, जैसे अगर आप देखते हैं कि आजकल एक्रेडिटेशन होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी चाहती है कि जो हॉस्पिटल्स एक्रेडिटेड हो, सो वन कैन बिकम अ कंसल्टेंट। जैसे NABH हॉस्पिटल्स को कराना होता है, JCI जॉइंट कमिश्नर इंटरनेशनल उसमें कराना होता है, एक दिस इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी विच पीपल हैव। एक होता है IT, विच इज़ अ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट्स अ वेरी इंटीग्रेल, बहुत इंटीग्रेटेड है, उसमें एक हॉस्पिटल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसके तहत आप कर सकते हैं। दूसरा एक और होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल्स, कि एक हॉस्पिटल अगर बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या स्पेशलिटी होती है, सपोर्ट एंड्स क्या चाहिए होती हैं, तो उसकी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में भी लोग एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू मोर विच इज़ देयर विच आई कैन थिंक ऑफ जी। अगला सवाल। नमस्ते सर। सर मेरा नाम साइकत दत्ता है, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि सर, PMKVY इनिशिएटिव के अंदर आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? सुब्रत जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ली है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री हेल्थ केयर से कंसर्न, इसमें 10-12 अपॉर्चुनिटीज हैं जो करते हैं। कुछ लोग हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, दिस इज नोन एज जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स, इनकी ट्रेनिंग होती है, लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर वो इंडक्ट होते हैं सिस्टम्स में। उसी तरह से इसमें हेल्थ एड्स की होती है, जो घरों में टर्मिनल इल पेशेंट्स होते हैं उनकी देखभाल कैसी की जाए उसके लिए भी होती है। एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, दे फुल फ्लेज्ड 9 महीने की कोर्स होती है, लेकिन यहाँ पे वो बेसिक्स सिखाते हैं। इस तरह से और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसमें स्किल डेवलपमेंट के तहत कराई जाती है। इसमें काफ़ी NGOs हैं, काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ हैं जो ये कराते हैं। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव जी। कुशल भारत, कौशल भारत का जो मंतव्य है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो सफल तभी होगा, वरना ये सिर्फ योजना बन के रह जाएगी, कि आप अपने आसपास के इलाके में आपकी जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए आप जुड़ें। और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, उस सर्टिफिकेशन की लीगल वैलिडिटी है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, उसकी वैलिडेशन है। तो आप इन योजनाओं से जुड़िए, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कुछ कर पाने की भावना आप में जागृत नहीं होगी। और ये निःशुल्क योजना जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तौर पर जो शुरू की गई है, और काफ़ी हद तक ये बहुत सारे छात्रों ने इसका लाभ भी लिया है, जो पढ़ रहे हैं या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, चाहे वो घर पर रहने वाली महिलाएँ हों या स्कूलिंग तक भी जो बच्चे नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसको आप अगेन गूगल कीजिए और जानकारी इकट्ठा कीजिए और अप्लाई कीजिए जी। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम रिहा सेठी है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वुमेन के लिए क्या और कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में जी। देखो,
अब समय तो बदल गया है, अब जेंडर एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में 2/3 महिलाएं हैं और 1/3 पुरुष हैं जी, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तो बात ही खत्म। तो आप लोग ही एक कल्चर एस्टेब्लिश करेंगे, आप अपने के लिए अपने लिए वातावरण स्वयं आप लोग मिलकर बनाएंगे, और जब आप आपकी एक डोमिनेंस की सिचुएशन हो जाती है तो आप डिसाइड करते हैं हाउ योर स्टेटस शुड बी एंड हाउ पीपल शुड कंडक्ट वाइल दे डील विद यू। सो आई थिंक बहुत समय बदल गया है, और ये मेरे ख्याल से अब प्रश्न थोड़ा इररेलेवेंट सा भी लगने लगा है मुझको। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, खैर महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा। सुब्रतो जी, आप कुछ जोड़ना चाहिए। देखिए, इसमें ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, विच रन 24/7 365 डेज। एक बार जब शुरू होती है बंद कभी नहीं होती है, त्योहार कोई सा भी हो। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ, इसमें महिला प्रधान इंडस्ट्री है, इट्स ऑलमोस्ट 50-50 रेशियो हो जाता है, कई बार 55-45 60-40 रेशियो में चलता है, महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा होती है इसमें। वेरी सेफ टू वर्क, वेरी सेफ, जहाँ पे नर्सिंग हॉस्टल्स की प्रोविजन रहती है, हर बड़ा हॉस्पिटल अपने फीमेल नर्सिंग के लिए वो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेशन 100% करते हैं। सारे महिलाएं तो नहीं लेती हैं, लेकिन काफ़ी लड़कियां लेती हैं। इसमें ड्यूटी आवर्स भी अगर हॉस्पिटल का देखेंगे तो वो भी इस तरह से सेट है जिसमें हमारे लेबर लॉज भी कवर हो जाते हैं। उसके हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं 6 घंटे 6 घंटे और 12 घंटे। सुबह 6 घंटे, फिर दोपहर के 6 और रात के 12। रात के 12 इसलिए होता है जिससे कि 12 आवर्स होती है, ना तो उस महिला को घर जाने की जरूरत है और ना उसको प्रेमिसेस में ही रहे, वो उस प्रेमिसेस में रहेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज डन, वेरी सेफ, वेरी गुड एंड हेल्दी एटमोसफियर। जी, एक बहुत बड़ा संबल है पेरेंट्स के लिए जिनको ये हिचकिचाहट होती है कि हमारी बच्ची को हम कार्यस्थल पर भेजें कि नहीं, क्योंकि ड्यूटी आवर्स नाइट के हैं। आखिरी सवाल हम ले सकते हैं अभी। हाय सर, आई एम रेशमा रमेश फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। माय क्वेश्चन इज, वुड वुमेन बी एबल टू वर्क बेटर इन अ हॉस्पिटल सेक्टर और अ हेल्थ सेक्टर? जी, डिपेंड्स ऑन व्हाट डू यू वांट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म गोल, I would say look for health sector. If you want to do simply managerial roles, hospital is the best place. But in the health management where you are expected, but the openings are so many in health management, right? From research, consulting, management, leadership, all that is there. Hospital, of course, you are in a very safe and glittering environment that attracts people. But if you have plans to move up in your career, क्योंकि समय you की कमी है, ओपन टू वर्क इन एनी ऑफ। मैं चलते चलते एक मैसेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए दोनों से एक एक मैसेज लेना चाहूँगा, एक खास बात जो लोग करियर बना रहे हैं इस एरिया में उनके लिए। अगर आप हेल्थ केयर में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहीं पे भी आप करें तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक, आपको अपनी एटीट्यूड पॉजिटिव रखनी है और लर्निंग रखना है। बिकॉज आई हैव डन अ पोस्ट ग्रेजुएशन डज नॉट मीन द एंड लर्निंग एंड्स, ह्यूज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटल, सो यू हैव टू हैव दैट एम्पैथी काइंड ऑफ अ थिंग। हॉस्पिटल में कोई घूमने नहीं आता है, पीपल वुड कम विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्पैथी रखना आपका जरूरी है। गुप्ता जी पहले भी कर चुके हैं, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जी गुप्ता साहब, एक संदेश। अब मैं समझता हूँ दे हैव द होल लाइफ बिफोर देम, सो दे शुड थिंक व्हाट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, बी एम्पैथेटिक, इम्प्रूव योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। जी, एंड कीप ऑन बिल्डिंग योर नॉलेज। जी, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दिशाएं की आज की जो चर्चा हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में रही ये आपको पसंद आई होगी, आपके लिए एक मदद की तरह से साबित होगी। हम दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, और तमाम युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिशाएं में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते नए विषय नए एक्सपर्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।